नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KK चौहान क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्न प्रभावशीलता के ऊपर, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लेसन प्लान बनाना मैंने आपको एक पहले भी दिखा दिया है, क्योंकि विज्ञान के ऊपर मैंने फिजिक्स के अंदर मैंने आपको एक लेसन प्लान बना के दिखाया था। आज मैं आपके लिए रसायन विज्ञान के किसी टॉपिक पर लेसन प्लान बनाकर दिखा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, लेसन प्लान बनाने से पहले हमें बोर्ड एंट्रीज भरनी होती हैं। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों, आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने उसमें बोर्ड एंट्रीज बहुत अच्छे से समझाई है, और इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड एंट्रीज बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, दिनांक में आज आप वो डेट डालेंगे जिस डेट के अंदर आप कक्षा के अंदर प्रवेश करते हैं पढ़ाने के लिए। कक्षा, किस कक्षा में प्रवेश किए हैं और किस कक्षा का लेसन प्लान बनाया है, वो यहाँ पर आप उस कक्षा को नोट करते हैं। फिर आपका आता है विषय, आप किस सब्जेक्ट के रिलेटेड टीचर हैं। उसके बाद आता है उपविषय, क्या आज आप पढ़ाने वाले हैं, यानी भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान। और प्रकरण में आप वो टॉपिक लिख देते हैं जो टॉपिक आप पढ़ा चुके हैं, जिस टॉपिक में से आप प्रश्न करने वाले हैं, यानी कि प्रकरण, ठीक है। उसके बाद बाधन आ जाता है, बाधन आपका सेकेंड, यानी जिस पीरियड में आप पढ़ाने के लिए कक्षा में आए हैं वो बाधन हो गया। और अवधि यहाँ पे माइक्रो टीचिंग के अंदर 6 मिनट की ही होती है, कोई सी भी स्किल हो अवधि 6 मिनट की होती है। कौशल, प्रश्न प्रभावशीलता, जिसे हम खोजपूर्ण प्रश्न कौशल भी कहते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका मेन काम, यानी कि लेसन प्लान। तो इसमें देख लीजिए आप, 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न संख्याएं नोट हैं, छात्र अध्यापक क्रियाएं, इसमें हमने प्रश्न नोट किए हुए हैं। और अगला कॉलम है लास्ट थर्ड वाला, छात्र छात्रा क्रियाएं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो छात्रों से हमें उत्तर प्राप्त होते हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल एवं क्षार टॉपिक है, तो अम्ल किसे कहते हैं, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ऐसा छात्र हमें उत्तर देंगे। अगर बाई चांस छात्र ने ऐसा उत्तर नहीं दिया, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप किसी और से ये प्रश्न पूछ सकते हैं जब तक आपको ये उत्तर न मिल जाए, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ाया है तो आपने इसी डेफिनेशन का जिक्र किया होगा, तो छात्रों को यही उत्तर देना चाहिए, ठीक है। तो जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षार। तो यहाँ पे आप एक बात देख लीजिए, मैं यहाँ पे एक प्रश्न बना सकता कि क्षार किसे कहते हैं, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, बच्चे समझ जाते हैं कि H+ आयन, अब की बार OH- आयन। मैंने यहाँ पे प्रश्न घुमा दिया, यहाँ पे लिख दिया जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षार। फिर आता है अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकारों के नाम बताइए, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। क्षार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, दोनों प्रकारों के नाम बताइए, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार। अम्लों का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम, और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं, क्षार। तो ये तो आपका पूरा लेसन प्लान हो गया, इसे आप अच्छे से देख लीजिए, ऐसे लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न हम जो डेफिनेशन में, ये सभी प्रश्न जो होते हैं इनबिल्ट होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जब आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये चीज़ें आपको पढ़ा देनी चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को पूछने का आपको मतलब बैठता है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी लेसन प्लान। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इसके बाद क्या होता है। तो इसके बाद आपको दोस्तों ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होती है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको ये बना के रखनी होती है। जो टीचर होते हैं, जो आपका ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो इनके लिए होती है। ये इन घटकों के आधार पर आपको क्या करते हैं, रेटिंग स्केल देते हैं। रेटिंग स्केल से मतलब है कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव है, कितने आपको पॉइंट्स मिलते हैं, वो यहाँ पे सब टीचर्स दे देते हैं। तो पहला घटक है आपका संकेत देना, दूसरा है विस्तृत सूचना प्राप्ति, तीसरा घटक है आपका पुनः केंद्रीकरण, और चौथा पुनः प्रक्षेपण और प्रेषण, सॉरी इसमें है चौथा आपका पुनः प्रेषण, और पांचवा है आलोचनात्मक सजगता। ये आपका लेसन प्लान यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप साइंस हैं तो इस लेसन प्लान को बना सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप लेसन प्लान बनाना सीखिए। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आप टॉपिक दीजिए, मैं आपको अलग लेसन प्लान बना के दिखा सकता हूँ और बना के दे सकता हूँ, ठीक है। दोस्तों, देखते रहिए, खुश रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।